नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम क्लास में बात करेंगे परमाणु संरचना चैप्टर 2 कक्षा 11 कृषि रसायन विज्ञान सब्जेक्ट में। तो हमारा सब्जेक्ट पहले ही यहाँ पर सब्जेक्ट में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उनके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और फिर आपको बता दूँ, इस चैप्टर से आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन भी मिलेगा, तो आप सभी वेल प्रिपेयर रहें, पढ़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर से रिलेटिव बात करेंगे। इस चैप्टर में परमाणु सिद्धांत की आधुनिक अवधारणा, सबसे पहले हमारा टॉपिक यही है कि परमाणु सिद्धांत की आधुनिक अवधारणा क्या है। तो मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं, परमाणु सिद्धांत की आधुनिक अवधारणा। ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक, और इसमें आपकी बुक में कुछ पॉइंट दे रखे हैं, हम उन्हीं पॉइंट को आज के क्लास में कवर करेंगे और मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पर लिखना है कि हमारी बुक में दे रखा है परमाणु संरचना का आधुनिक मॉडल तरंग यांत्रिकी पर आधारित है। परमाणु संरचना का आधुनिक मॉडल तरंग यांत्रिकी पर आधारित हैं। आप भी मेरे साथ पेन कॉपी लेकर बैठें और नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि आपको नोट्स की आवश्यकता ना पड़े। मैं नोट्स इसीलिए लिखवाते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको नोट्स की ज़रूरत ना पड़े, आप इन्हीं से पढ़ सकते हैं। ये प्रिपेयर फुल नोट्स हैं कि परमाणु संरचना क्या है, कि एक आधुनिक मॉडल होता है। हमारे जो भी अभी जो नई चीज़ें बन रही है वो सभी क्या है, आधुनिक हैं। जो भी नई चीज़ें बन रही है वो सभी क्या है, आधुनिक हैं। तो आधुनिक एक मॉडल तैयार किया गया था जो तरंग का मतलब होता है वेव, जो तरंगें निकलती हैं, हमने देखा होगा इलेक्ट्रिक में निकलती हैं, या फिर हम आग में देख लेते हैं, अग्नि में, तो वहाँ भी तरंग निकलती हैं। तो एक तरंग यांत्रिकी के ऊपर यह परमाणु संरचना का आधुनिक मॉडल आधारित है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, सर्वप्रथम परमाणु की अविभाज्य कण अविभाज्य का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए कण, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए कण होते हैं, उनको अविभाज्य कण कहते हैं। अविभाज्य कण का मॉडल डॉल्टन ने दिया, किंतु उसके बाद परमाणु में इलेक्ट्रॉन
हम इसे इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन, ये सभी कहाँ उपस्थित होते हैं, नाभिक में उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन ये सभी केंद्रक के नाभिक में उपस्थित होते हैं। न्यूट्रॉन आपने सभी, ये सभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है। आदि कणों की उपस्थिति परमाणु में सिद्ध हुई है। परमाणु में सिद्ध हुई है। यहाँ तक बात बच्चों क्लियर होगी कि सर्वप्रथम परमाणु के अविभाज्य कण का मॉडल डाल्टन जो थे उन्होंने बनाया था। किसने बनाया था? डाल्टन ने दिया था, किंतु उसके बाद में क्या हुआ कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि कणों की उपस्थिति परमाणु में सिद्ध हुई। जब डाल्टन ने दिया था तब ये सभी चीज़ें उसमें उपस्थित नहीं थे या उपस्थित नहीं हुए हैं, तो बाद में उन्होंने परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आदि कणों की उपस्थिति उन्होंने सिद्ध की या सिद्ध हुई। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है नंबर 3, नंबर 3 पॉइंट में हमें रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल प्रस्तुत किया, परमाणु संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया, मॉडल प्रस्तुत किया। यहाँ तक, किंतु क्या हुआ, उन्होंने जब प्रस्तुत किया किंतु परमाणु एटॉमिक स्पेक्ट्रमों की व्याख्या उस मॉडल से नहीं की जा सकी, क्या हुआ था कि रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल प्रस्तुत किया, फिर किंतु हुआ क्या कि परमाणु में स्पेक्ट्रमों की व्याख्या, स्पेक्ट्रम क्या होते हैं कि जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सभी उपस्थित होते हैं और इनकी जो संरचना होती है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इनकी जब व्याख्या नहीं हुई तो उस मॉडल तो जब स्पेक्ट्रमों की व्याख्या नहीं हुई तो उस मॉडल से उस मॉडल में नहीं की जा सकी। मतलब कहना क्या चाहता है पॉइंट हमारा कि परमाणु में स्पेक्ट्रम जो होते हैं उनकी व्याख्या इस मॉडल में नहीं कर पाए, सीधा सा यही हमारा पॉइंट कहना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ। नंबर 4 पॉइंट है कि बोर ने रदरफोर्ड बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को संशोधित करते हुए संशोधित करते हुए
संशोधित करते हुए विकिरण के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित क्वांटम सिद्धांत पर आधारित परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को संशोधित करते हुए, मतलब उसमें कुछ कमियां थी उसको दूर करते हुए, उन्होंने विकिरण के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। विकिरण के क्वांटम सिद्धांत एक बना हुआ है जो हम इसका चैप्टर में आगे बात करेंगे उस पर। उस क्वांटम सिद्धांत पर आधारित परमाणु मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया बोर ने रदरफोर्ड का, जो सबसे पहले बोर ने बनाया, फिर रदरफोर्ड ने क्या किया उसमें संशोधित किया, कुछ कमियां थी उनको दूर किया। फिर क्या हुआ कि उसमें विकिरण के क्वांटम सिद्धांत को लगाते हुए उन्होंने परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया। यहां तक बात क्लियर होगी। अब है हम परमाणु के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट जानते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं बेसिक पॉइंट। आपको जब अ पेपर जो आता है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ। तो परमाणु जो है वो परमाणु ग्रीक भाषा के या ग्रीक शब्द है। परमाणु क्या है? ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है अविभाज्य। जिसका अर्थ है अविभाज्य। परमाणु क्या है? ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। अब यहां पर बात समझने जैसी यह है कि मैं थोड़ा सा आगे और लिख देता हूं एक पॉइंट, फिर आपको समझाता हूं। सन 1808 में जॉन डॉल्टन, एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक, ने द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। सन 1808 की बात है, जॉन डॉल्टन वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने द्रव्य के परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब मैं ये जो लिखा है इसका अर्थ समझिएगा कि परमाणु जो है एक ग्रीक भाषा भी है, और उसी भाषा का, ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है अविभाज्य, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ जो भाग होता है उसे अविभाज्य कण या अविभाज्य पार्ट कहते हैं। सन 1808 में जॉन डॉल्टन, जो एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने, एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने द्रव्य के परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। यहाँ पर आप लिख देना प्रस्तुत किया। द्रव्य के परमाणु सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया। हम आज की क्लास, हमारी कुछ बेसिक क्लास थी, हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम कल से
कुछ बड़े टॉपिक्स के बारे में लंबी क्लास लेते हुए डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आई होप आपको क्लास अच्छी लगे। कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ लें तो मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।